अब जी पहले मैंने डिस्कस किए थे आपसे प्रोसेसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कितने प्रोसेसेस मैंने डिस्कस किए थे अकॉर्डिंग टू हर्षवर्धन। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा था? इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड वाज भाई आप इसी बात को घुमा फिर आके आपके जो रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में उसने कह दिया स्टेप्स ऑफ ये टिश्यू कौन सा एरिया है, ये एरिया कौन सा, क्या ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरिया है, बाहर का एरिया है? तो भी सबसे पहले मेरे ऑफेंडिंग जो एजेंट था फॉर एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फिर ट्रॉमा ने अटैक किया मेरे एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू को। अब जी मेरी बॉडी ने, मेरे इम्यून सिस्टम ने फौरन इसे रिकॉग्नाइज कर दिया। अब क्या सेकेंड स्टेप के अंदर मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया मेरे जी बॉडी के सेल्स ने इसको एक्टिवेट सेंस कर दिया, तो जी मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब मैं इम्यून सिस्टम की बात करूँ, क्या आई एम टॉकिंग अबाउट द लिम्फोसाइट एंड द प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स की मैं बात कर रही हूँ भाई, ये सारी एक्टिवेट होगी और ये चली गई, ये रिक्रूट होगी टूवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। क्लियर? सेकेंड स्टेप आपके पास आ गया। अब वहाँ पर जाके जी ये लोकलाइज होगी, वहाँ पर पहुँच गई कि भाई मैंने तो अपने शिशु को बचाना है। अब मेरे पास एक थर्ड स्टेप आ गया, ठीक है, वहाँ पे पहुँच तो गई, क्या आप वहाँ पे जाने के बाद ये आपके ल्यूकोसाइट्स एक्टिव होंगे? Yes. वहाँ पे जाके जी ये एक्टिव हो गए, वहाँ पे जाके इन्होंने काम किया, दे वर्क टूगेदर, उन्होंने क्या किया कि आपके पॉजिटिव एजेंट फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको इनगल्फ कर दिया। यहाँ तक आ गया स्टेप। अब जी फोर्थ स्टेप में मेरे पास आ गई है वीट बियर। क्लियर? फोर स्टेप में मेरे पास जो डैमेज टिश्यू था इसकी रिपेयर हो जाए। क्या ये स्टेप्स और जो प्रोसेस है वो पूरा सेम ही है ना? बस मैंने पहले को कह दिया हर्षवर्धन में, मैंने इसे कह दिया अर्ली इन्फ्लेमेटरी स्टेप्स और एंड पे मैंने इसको कह दिया था रिपेयर, या की भी कह दिया था, तो सेम बात आपको इधर मैंशन किया। बच्चों क्योंकि हम इन्फ्लेमेशन पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए आपकी ल्यूकोसाइट्स की क्लासिफिकेशन। ल्यूकोसाइट्स का कॉमन नेम क्या है? दीज आर दी वाइट ब्लड सेल्स। ओके, अब क्लासिफिकेशन को फिजियोलॉजी में जो आपने पढ़ी थी, इम्यून सिस्टम अभी पढ़ रहे हो ना, इस पर